जरूरी वही तो होगी लूनर ऑर्बिट, क्योंकि ऑर्बिट के सेंटर में कौन बैठा हुआ है, पृथ्वी, अर्थ बैठी हुई है, आया ना। तो आपको ये दूरी बतानी है लूनर ऑर्बिट की, तो फॉर्मूला वही लगेगा, है ना, जो भी मैंने बताया। ये देखिए, हाँ तो अब दूरी बताना है। चलो देखो कैसे करेंगे, टाइम इक्वल टू कितना, 2.56 सेकेंड, टाइम इक्वल टू कितना, 2.56 सेकेंड, समझ में आया। अब आराम से करना देखो इस क्वेश्चन को, है ना, टाइम इक्वल टू 2.56 सेकेंड। आपके पास दो रास्ते, एक तो आप ये वाला ट्रिक इस्तेमाल कर लो या आप मेरा वाला ट्रिक इस्तेमाल कर लो। अब ये 2.56 सेकेंड किसका है, सिग्नल जाना और सिग्नल आना। तो सिग्नल जाने में और सिग्नल आने में उसने एक्स ट्रेवल नहीं किया है, उसने 2x ट्रेवल किया है। क्या ट्रेवल किया है, 2x, और आपको निकालना क्या है, x यानी r। आपको टाइम जो दिया गया है जाने का और आने का दिया गया है, तो भैया दो डिस्टेंस हो गई ना, जाने की अलग और आने की अलग। तो अगर आप इस डिस्टेंस का इस्तेमाल करोगे, इस टाइम का इस्तेमाल करोगे, तो आपके पास x नहीं आएगा, आपके पास क्या आएगा, 2x आएगा। समझ में आया। तो दो रास्ते हैं, इस टाइम का इस्तेमाल करके डिस्टेंस निकालो और लास्ट में उसको आधा कर लो। लास्ट में क्या कर लो, उसको आधा कर लो, मतलब हाफ कर लो, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप शुरुआत में ही टाइम को हाफ कर लो और फॉर्मूला लगा दो डिस्टेंस अपॉन टाइम वाला, यस और नो। तो अपन ने टाइम को ही हाफ कर लिया, नंबर वन, 2.56 अपॉन 2, टाइम को हाफ कर लिया, कितना, 2.56 अपॉन 2। अब टाइम को हाफ कर लिया मतलब एक तरफ की बात हो रही है, धरती से चांद की, धरती से चांद की या चांद से धरती की बात हो रही है, एक तरफ की बात हो रही है। नाउ फॉर्मूला, फॉर्मूला स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यस और नो। स्पीड कितनी होती है लाइट की, 3×10^8 मीटर पर सेकंड जाने का, और टाइम कितना, टाइम मतलब ये वाला टाइम नहीं जो दिया गया, इसका आधा टाइम, 2.56 का आधा। तो यू कैन राइट 2.56 अपॉन कितना, 2, यस और नो, 2.56 upon 2। बच्चों इसको सॉल्व करो, you will have distance and your distance equal to 3.84×10^8 meter। समझ में आया? 3.84×10^8 meter। मीटर के तीन जीरो गायब कर दो तो क्या बन जाता है, किलोमीटर। तो आप इसको लिख सकते हो d equal to 3.84×10^5 किलो मीटर। सो दिस इज इन किलोमीटर, 3.84×10^5 किलोमीटर। सो दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम अर्थ टू मून, है ना, 384,000 किलोमीटर। अर्थ की डिस्टेंस क्या है मून से, 384,000 किलोमीटर। समझ में आया ना, एक आंकड़ा होता है कि हिंदू धर्म में 384,000 देवी देवता हैं, शायद सुना हो कभी आपने, मैंने सुना है 384,000। तो ऐसे 384,000 किलोमीटर, जब इसको सॉल्व करोगे ना तो आपके पास आएगा 384,000 किलोमीटर। समझ में आया, नोट दिस। किलोमीटर पर आवर स्क्वायर
में कन्वर्ट करो। समझ में आया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करो। एक तो तरीका मैंने बताया है, याद करो N1U1 = N2U2, उससे कन्वर्ट कर सकते हो। एक अपना देसी तरीका है, सिंपल तरीका, जैसे आज तक कन्वर्ट करते आते रहे हो। शिवांजय यहां ध्यान दो, मन नहीं लग रहा क्या? लग रहा है? ना लगे तो बता देना कहां पे नहीं लगे, क्योंकि मन वहां नहीं लगेगा जहां समझ में नहीं आएगा। तो 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है। तो देखो देशी तरीका अपना, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को अपन को कन्वर्ट करना। पहले काम करो, सेकंड स्क्वायर को लिख लिया करो सेकंड की पावर -2, आया ना? इन लोगों ने तो अपना काम पहले ही करके दे दिया है। ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपॉन में नीचे ले जाओ, लो ना भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ये सेकंड का स्क्वायर आपने ऊपर लिख लिया। अब कह रहा है इसको बदलो किसमें, किलोमीटर पर आवर स्क्वायर में। तो बताओ 1 मीटर में कितने किलोमीटर होते हैं, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1 मीटर में कितने किलोमीटर, 1000। क्या कह रहे हो भाई, 1 मीटर में 1000 किलोमीटर होंगे। मतलब मैं यहां से यहां चला गया और मतलब मैं कोलकाता पहुंच गया, 1/1000, करेक्ट। सो दिस इज 1/1000 किलोमीटर, सो यू कैन राइट इट 1/1000। अच्छा 1/1000 को मैं क्या, 1/1000 को मैं 10 की पावर -3 लिख सकता हूं, सो यू कैन राइट इट 3 × 10^-3। नाउ इट इज व्हाट, किलोमीटर, यस और नो? नाउ 1 सेकंड में कितने आवर्स, 1/1/60। अरे 1 सेकंड में पूछ रहा हूं, 1 सेकंड में 1/60 × 60, यस 1/60 × 60, 1/60 × 60 मतलब 1/3600 आवर्स। देख लो कैसे भाई, 1 आवर में कितने होते हैं सेकंड, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट पे 60 सेकंड हुआ करते हैं, मतलब इन 1 आवर देयर आर 3600 सेकंड, से यस और नो? इन 1 आवर देयर आर 3600 सेकंड, सो इन 1 सेकंड देयर आर 1/3600 आवर, से यस और नो? यस। सो 1 सेकंड, पुट योर वैल्यू ऑफ सेकंड, सो दिस इज 1/3600 का होल स्क्वायर, एग्री? नाउ दिस इज वेरी सिंपल। तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, 3 × 10^-3, ओके, किलोमीटर, किलोमीटर, ओके। ये 3600 ऊपर कहां जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2 times, 3600 × 3600, और ये क्या, ये सेकंड है, देखो ध्यान से, this is hour to the power 2, तो ये hour ऊपर जाएगा power 2 लेकर के, तो क्या बनेगा, hour की power -2। अब तो सॉल्व कर लोगे, क्या प्रॉब्लम आई इसमें, एनी प्रॉब्लम, यस यू लास्ट, कुछ प्रॉब्लम हो रही इसमें, आवर की पावर -2 कैसे है, ये नहीं आया समझ में, आवर है, आवर का पावर 2 लगा हुआ है, तो आवर की पावर ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा -2, तो चला जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास कितना आएगा, मैं ही सॉल्व कर देता हूं, चलो 36 × 36, दिस इज 216, 36 × 36, नो 1296, मल्टीप्लाई करके देख लो, 36 × 36, 36 × 36, 1296, अब इनटू 3 इनटू 10 की पावर -3, मतलब 30 नीचे, 30 नीचे वाले से 30 ऊपर वाले क्या हो गए, 10 बच गया, मतलब 10 बच गया, आया ना? हाँ, चलो 36 यूनिट किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, दिस इज पर -2 है, तो किलोमीटर पर आवर स्क्वायर, और यू कैन राइट किलोमीटर आवर की पावर -2, ओके। चलो मल्टीप्लाई करो, 36 × 18, 3 × 27 + 1 = 30, 0 × 2 = 6, 6 + 2, एक मिनट, 27 + 2 आया है यहाँ पे, 3 × 6 = 18, 20, 3 × 6 = 18, कैरी आई 1, 3 × 9 = 27 + 1 = 28, गलती हो गया था यहाँ पे, 28, कैरी आई 2, 3 × 6 + 2 = 8, एंड 3 बन जा 3, यस और नो? इनटू 0 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, दिस इज योर 38,880 किलोमीटर पर आवर का स्क्वायर, अगर अपन ने कोई गलती नहीं करी तो, ओके, बन जाएगा।
अगली यूनिट कन्वर्ट करने को थी 6.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, समझ में आया? अब इसको कन्वर्ट करना है 6.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, जी की वैल्यू बहुत अच्छे से कन्वर्ट करना पड़ेगा, बहुत आराम से कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो एक तो तरीका है वो वाला आपका N1U1 = N2U2, एक तरीका है N1U1 = N2U2, उससे भी कन्वर्ट कर सकते हो, और एक अपना जनरल मेथड है इससे भी कन्वर्ट कर सकते हो। इसमें कन्वर्ट करने में भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है और उसमें भी कन्वर्ट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी आदत ये वाली बन चुकी है इसलिए हम लोग ज्यादा अच्छा इसमें कर पाते हैं। देखो इधर 6.67 × 10⁻¹⁻ को हाथ मत लगाओ। न्यूटन क्या है? न्यूटन जो है कैपिटल N एक साइंटिस्ट के नाम से दे दी गई यूनिट है। अब न्यूटन के अंदर कई लोग भरे हुए हैं, पहले तो ये पता करो न्यूटन किसकी यूनिट है? फोर्स की। अब फोर्स का आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होना चाहिए तब आप इसको कन्वर्ट कर पाओगे। रिदम मत आप बताइए फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। वेरी गुड, एम एल टी की पावर माइनस टू, करेक्ट। तो आपने बताया भैया न्यूटन का फॉर्मूला सर है एम एल टी की पावर माइनस टू। अच्छा बाकी का स्ट्रक्चर मीटर में किलोग्राम में, मतलब ये एसआई सिस्टम है, सही है सर? नो, मतलब इसको भी एसआई में लिखूं तो न्यूटन, हाँ न्यूटन तो एसआई होता ही है अगर ये कुछ दिया हो या ना दिया हो, पहले तो अपन किसमें लिखेंगे? एसआई में, क्योंकि न्यूटन जो यूनिट है वो ऑलरेडी क्या है? एसआई यूनिट है। तो आइए लिखता हूं इसको, न्यूटन, एम फॉर मास, मास मतलब किलोग्राम, एल फॉर लेंथ, लेंथ मतलब मीटर, टी फॉर सेकंड, सेकंड की पावर कितना? माइनस टू। ओके नाउ दिस इज मीटर स्क्वायर सेम टू सेम एंड दिस इज किलोग्राम की पावर माइनस टू, सेम टू सेम। चलो मर्ज करो, किलोग्राम की एक पावर और किलोग्राम की माइनस दो पावर कितना आया? किलोग्राम की कितनी पावर? माइनस वन पावर। ओके नाउ मीटर की पावर दो और मीटर की पावर वन एंड मीटर की पावर टू, टोटल मीटर की पावर थ्री एंड हियर सेकंड की पावर माइनस टू, कन्वर्ट हो गया। किलोग्राम आ गया, मीटर आ गया, सेकंड आ गया, बाकी सब हट गया। अब हम कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। किसमें कन्वर्ट करना है? सीजीएस में। नाउ सीजीएस, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। सो योर 6.67 इनटू 10 की पावर माइनस 11 लेफ्ट रिमेन, इसको वैसे का वैसे रहने दीजिए। नाउ 1 किलोग्राम इनवर्स, बड़े आराम से, तो इनवर्स को पावर लगे रहने देना, पावर को आप लाइटली डील मत करना कभी, पावर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसको उसको कुछ मत करना। अगर पावर माइनस वन है तो माइनस वन रहने दो, अंदर का पार्ट बदल लो। एक किलोग्राम में कितने ग्राम? 1000 ग्राम, ये कन्वर्ट कर लिया। 1 मीटर क्यूब, क्यूब को वैसे ही छोड़ दो। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। सेकंड तो वही होता है, सीजीएस का सेकंड एसआई का सेकंड बात बराबर है। सो नाउ सॉल्व दिस, दिस इज 10 की पावर माइनस 11 मल्टीप्लाइड बाय, अब देखो 1000 अपॉन 1000 ग्राम का इनवर्स कितना आएगा? 1/1000, सही है सर? नो, 1/1000 ग्राम, 1/1000 ग्राम। तो आप यदि चाहो तो ग्राम को नीचे भी लिख सकते हो, नहीं लिख सकते हो तो न्यूमेरिकल डेटा को नीचे भेज दो और ग्राम का इनवर्स ऊपर लिखे रहने दो, इस बात का ध्यान रखिएगा। नाउ 100 सेंटीमीटर क्यूब, तो दिस इज 100 × 100 × 100 व्हाट? सेंटीमीटर क्यूब। ओके रिमेंस लेफ्ट, चलो ये हो गया। नाउ सेकंड का स्क्वायर, सेकंड की पावर माइनस टू, भाई न्यूमेरिकली डाटा नहीं है, वन है, न्यूमेरिकली उसकी वैल्यू यहाँ पे कुछ नहीं है, वन है, बट यूनिट तो है ना, तो यूनिट लिखना मत भूलिएगा। नाउ सॉल्व, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस 11 है, देखना ध्यान से, एक दो, एक दो और एक ये और एक ये, क्या हो गया? कैंसिल। अब कितने जीरो बचे? 1, 2, 3 और इसके पास कितने? माइनस 11, माइनस का 11 और प्लस का 3, कितना बचा? माइनस का 8। नाउ सो योर यूनिट इज 6.67 इनटू 10 की पावर माइनस 8 पर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम? तो नोट इट डाउन, ऐसे आपको करना है इसको, ठीक है ना? कोई प्रॉब्लम है इसमें? अच्छा इसको और मेथड से कैसे कर सकते हैं ये भी जान लो, और दूसरा मेथड क्या है इसको करने का? अपन ने बता रखा है इसको करने का दूसरा मेथड, आपकी वर्कशीट में भी दे रखा मैंने ये मेथड। कैसा मेथड है? N1U1 = N2U2, क्लियर है? N1U1 = N2U2। अब ये N1 का वैल्यू यहां पर कितना है? 6.67
7 एक यूनिट दी गई है अपन को किस में दी गई है एसआई में तो द n1 इक्वल टू 6.67 इनटू 10 की पावर -11 अब ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया अब यूनिट के हिसाब से डाइमेंशनल फार्मूला बनता है g का डाइमेंशनल फार्मूला देखिए क्या होता है शीट में g का डाइमेंशनल फार्मूला क्या होता है m की पावर -1 l की पावर 3 t की पावर -2 दिया होगा g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट power 11 में 6 add 6 minus 3 equal to plus 3
and minus 11 plus 3 equal to 10 की पावर और minus 8 यूनिट अपने हिसाब से लगा लो देखो किलोग्राम की पावर सॉरी ग्राम की पावर minus 1 ये था ग्राम ये क्या था लेंथ लेंथ मतलब सेंटीमीटर की पावर कितना 3 एंड सेकंड की पावर कितना minus 2 तो आप इससे कन्वर्ट कर सकते हो जो आपको अच्छा लगे which one you like you can go by that method okay Okay, so this is enough for the day. Tomorrow we will proceed this more. ठीक है ना? कल हम इसको और आगे करेंगे.